एवरीवन वेलकम टू इन्वेस्टर गाइस यूट्यूब चैनल। सो आज की ये वीडियो लर्निंग वीडियो होगा, बहुत सारे की पॉइंट बताने वाला हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मार्केट को लेके जो सोच है वो थोड़ा सा तो चेंज ज़रूर होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अगर पॉसिबल है तो एक नोट पैड और साथ में एक पेन लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिए जो की पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे की पॉइंट मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते लेकिन की पॉइंट पर बात करेंगे, ज़्यादा बकवास बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर समय सबके लिए बहुत कीमती है। तो की पॉइंट पे आ जाते हैं, कल का वीडियो आई होप कि आप सभी ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन में आ जाएगा या फिर आप चेक करके देख लेना कल के वीडियो पे मैंने क्या कहा था। कल के वीडियो पे मैंने ये कहा था कि अगर आप और आपके दोस्त ये सोच रहे कि मार्केट का जो रिसेंट सीनियर है या फिर मैं सेल कर देता हूँ अपने जो भी पोजिशन है, तो आप गलत करेंगे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं वो आपके अगेंस्ट में सोचते हैं, वो 5% प्लेयर आपके अगेंस्ट पे हमेशा सोचते हैं। बहुत सारे लोगों ने कल के दिन शॉर्ट किया होगा और आज उनका हालत ऊपर वाला जाने और बो जाने मुझे नहीं पता, तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, मार्केट गैप अप खुला, सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकते हैं। अब आज के दिन का एक फंटास्टिक रैली था 1400 पॉइंट का। अब यहाँ से सवाल का सिलसिला शुरू होता है। तो सवाल ये है कि यूक्रेन और रशिया का जो झमेला है, जिस वजह से मार्केट कल के दिन गिरा था 2400 पॉइंट, क्या वो झमेला ख़त्म हो चुका है? अगर नहीं तो मार्केट में ये जो एक राइज देखने को मिला, फंटास्टिक रैली देखने को मिला, उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला सवाल। अब उसका जवाब ढूंढने निकलते हैं। तो हमने देखा कि आज के दिन एक रैली है, अच्छा खासा रैली है, लेकिन अगर आपने गौर से देखा होगा जितने भी स्टॉक में आज के दिन आपको 4-5% 10% के आसपास रैली देखने को मिला है, उसका टाइम ड्यूरेशन में बता देता हूँ, वो मॉर्निंग 10 से लेकर 11 के बीच में था, उसके बाद दिन भर वो एक ही जगह में रुका रहा, कोई और मोमेंट था ही नहीं बाप। इसका क्या मतलब है, ये क्या बताता है? सबसे पहला पॉइंट, कुछ चीज़ों का हम लोग यहाँ पर एक साथ कुछ चीज़ों का एनालाइज करेंगे और देखेंगे उनका एंडिंग रिजल्ट क्या निकलता है। तो हमने देखा आज के दिन जो बड़े पैसे हैं वो बाई कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन फ्रेश बायर नहीं है कोई भी, आप और मैं एज ए फ्रेश बायर बाबर काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ मार्केट का बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आज के दिन हमारे जैसे लोगों का एंट्री होता यहाँ पर, क्योंकि ये रैली हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि आज के दिन इतना फैंटास्टिक एक रैली मिलने वाला है, वरना लोग कल ही बाय कर लेते। तो आज की इस रैली पे हम लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम थे, इंटरडे में होंगे, पोजिशन में बहुत कम होंगे। इसका रीज़न भी मैं बता दूँ, कल और परसों मार्केट बंद है, वीकेंड है, और ग्लोबली जो न्यूज़ है वो बहुत ही ख़राब है। ऐसे सिचुएशन में पोजीशन होल्ड करना ये आप और मैं नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? जिसके पास एक बुलेट प्रूफ प्लान है, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट, वो बायर थे, कोशिश कर रहे थे मार्केट के एक वो बायर थे कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को एक बॉटम लेवल पर लाया जाए। सच बताएगा, आज के दिन के ये रैली देखने के बाद आपको क्या लगा होगा कि पॉजिटिविटी है मार्केट में, और आप इस लेवल पे सोचने में मजबूर हो जा रहे हैं कि हाँ मुझे बॉटम में मिल रहा है, डीप में मिल रहा है पोजीशन, डीप में स्टॉक्स मिल रहा है आज के दिन सस्ता डिस्काउंट पे। तो आज के दिन की ये जो रैली है वो आपको ये बताने के लिए है कि उनके पास एक बड़ा प्लान है, बुलिश प्लान, इसको भी मैं क्लियर कर दूँ, एक बुलिश प्लान है, जिस वजह से उन्होंने आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश की कि आओ आओ और बाय कर लो, डीप में मिल रहा है। अब कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पर आपको एडजस्ट करके बताता हूँ। देख लीजिए कि लास्ट 2020 की अगर मैं बात करूँ, 2020 के उस क्रैश के बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा था, अब जाके देख लीजिए DII के जो बाइंग्स थे ना, वो 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास है। कल भी DII के बाइंग करीबन 1000 करोड़ के आसपास था, शायद आज के दिन के 4000 करोड़ के आसपास है। तो जब मार्केट बॉटम में था तब उनकी बाइंग कम थी, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, एक्सपेंसिव है, सुपर एक्सपेंसिव, इतना बाय करने का क्या रीज़न है? अब इनके पास इतने डाटा अवेलेबल है जिनका 1% भी हमारे पास नहीं होगा। इतने सारे डाटा रहने के बाद कोई इतने एक्सपेंसिव लेवल पे इतना एग्रेसिवली क्यों बाय करेगा? कुछ तो रीज़न होगा। इसका मतलब उनके पास एक प्लान है कि आगे चल के प्राइस ऊपर जाने वाला है, और उस हिसाब से वो लोग चाहते ये है कि रिटेल ट्रेडर जो है,
अगर हम लोग ही पार्टिसिपेशन मार्केट में नहीं होगा तो मार्केट ऊपर भी नहीं जाने वाला। तो वो चाहते कि रिटेल ट्रेडर वहाँ पर पार्टिसिपेट करे, इसके लिए हमें वो बताया जा रहा है कि डीप है ये, बाय कर लो, पॉजिटिविटी है। हालांकि ग्लोबली जो जितने भी बैड न्यूज़ थे जिस वजह से मार्केट गिरा था वो अभी सही नहीं हुआ है, और ऐसे सिचुएशन में हमें ये बताया जा रहा है कि आप बाय करो। अब और एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, नोटिस करके देख लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने गौर से देखा होगा ना, तो बहुत सारे स्टॉक्स में लास्ट 30 मिनट पे एक स्पाइक आया था 4-5% का, 3% का भी आ सकता है। तो ये स्पाइक क्या बताता है? ये स्पाइक बताता है कि बड़ा पैसा जो है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी अवेलेबल है। तो वॉचलिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका, उन स्टॉक को ढूंढिए जिनमें लास्ट 30 मिनट पे एक स्पाइक आया हुआ है, वॉचलिस्ट बना लीजिए उन स्टॉक से। 3 महीने के बाद मैं आपसे फेस टू फेस बात करूँगा, उसके बाद देखेंगे कि उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो ये बता रहा है कि वो बड़ा पैसा, सोच के देख लीजिए, आप और मैं तो बाय नहीं करेंगे ना आज के दिन, क्योंकि होल्ड नहीं करना, इंटरडे कर सकता हूँ मैं होल्ड नहीं कर सकता, कल परसों बंद है, ग्लोबल न्यूज़ ख़राब है। तो वही बंदा बाय कर सकता है जो श्योर है इस चीज़ को लेके कि मैं बाय करूँगा और मुझे पता है आने वाले समय में वो प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब और चीज़ यहाँ पर ऐड करते हैं, अभी फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग हुआ नहीं है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने के बाद ही बड़े पैसे फिर से मार्केट में आते, पोजिशन बनाया जाता है, और आज के दिन एक ऐसा सुइटेबल मार्केट उनके लिए है जो इस फाइनेंशियल ईयर एंड के द्वारा क्रिएट किया गया है ताकि लोग फिर से री एंट्री कर पाए। आफ्टर ऑल फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद किसी न किसी को एंट्री करना होगा किसी न किसी स्टॉक पे, तो एक्सपेंसिव कौन खरीदना चाहेगा, सस्ता खरीदना चाहेगा, ऐसा एनवायरनमेंट है तो क्यों ना प्राइस को सस्ता किया जाए, उसके बाद बाय किया जाए। तो सारे के सारे पॉइंट आपके सामने, कन्फर्मेशन कैसे मिला लास्ट 30 मिनट पे, ये कैसे पता चला कि सिर्फ वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस थे, फ्रेश बायर नहीं थे, मार्केट को बॉटम की ओर लेके जाने के लिए पूरा दिन मेहनत किया गया, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, बड़ा पैसा भी हमने चेक कर लिया था, और साथ ही साथ हमने ये भी चेक कर लिया था ये पूरा सिनेरियो जो है ना वो बनाया गया है। अब देख लीजिए कुछ समय के बाद जब ये पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, जो रैली आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होने वाला है, और आने वाले मे बी आने वाले 2-3 साल में ऐसा प्राइस आपको ना मिले। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताएगा ज़रूर ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपको कैसा लगा, क्या ऐसे वीडियो और बनाना चाहिए, क्या आप ये आपको हेल्प कर पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।